हेलो सभी को गुड इवनिंग। तो आ जाओ जल्दी से सब लोग, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से आ जाओ सब लोग, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से आ जाओ सब लोग, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। टिशू, हम लोग का चैप्टर चल रहा था टिशू। ठीक तो साउंड ठीक है? साउंड बढ़िया है? हाँ सब ठीक है। चलो गुड इवनिंग फिर से एक बार सभी लोगों को। तो जल्दी से आ जाओ और चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो लास्ट क्लास इसको आधा करके छोड़े थे, थोड़ा सा बता दिए थे, कोई था नहीं, क्लास ऑफ कर दिए थे। रेगुलर तुम लोग रहता है नहीं, रेगुलर नहीं रहेगा तो फिर क्लास ऑफ कर देंगे हम। क्या फायदा फिर पढ़ाने से हमको, रेगुलर तुम लोग रहेगा ही नहीं। हम झूठ मूठ का पढ़ाते जाए तुम लोग पढ़ नहीं रहे ढंग से, तो क्या फायदा होगा बोलो? मेरा केवल एनर्जी वेस्ट होगा, तुम लोग को तो पढ़ना है नहीं। कुछ लोग जो है पढ़ रहा है बस, कुछ लोग बस छुट्टी लेके एब्सेंट किया था, कुछ लोग तो क्लास बस बीच बीच में कर लेना है, एक दिन खाली मुंह दिखा देंगे जाकर के, बस हो गया। तो ऐसे कैसे चलेगा बोलो? अगर रेगुलर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास हम बोलो तो ऑफ कर देते हैं वाला। क्या के लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइव क्लास लेने का मतलब समझता है? डेली एक घंटा लाइव क्लास दो, और एक घंटा क्या हर सारा बैच लाइव ही चल रहा है, तुम लोग समझ ही नहीं रहा। चलो देखो क्या है, कॉलम कायमा, कॉलम कायमा पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? कॉलम कायमा टिशू पढ़ रहे थे। मजा नहीं आता क्लास में, बोल दो ऑफ कर देते हैं क्लास, क्या दिक्कत इसमें? हमको कोई जरूरी थोड़ी ना क्लास एक घंटा करके इतना मेहनत से तीन तीन घंटा चार चार घंटा पीपीटी बैठ के बनाओ रात रात भर जाग करके, और फिर एक घंटा जो है यहाँ पर क्लास हो। एक घंटा क्लास लेने के पीछे समझ रहे तुम लोग कितना मेहनत करना पड़ता है हमको? और भी लाइव क्लास लेना मामूली बात नहीं है, ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइव क्लास में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन तुम उन लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता। हाँ तुम्हारे लिए कोई दिक्कत है, तुम तो छुट्टी लेके गए थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है किसी किसी लोगों को। चलो तो कॉलम कायमा की बात हम लोग कर रहे हैं। कॉलम कायमा अगर पसंद नहीं है तो बोल दो ऑफ कर देंगे। चलो कॉलम कायमा की बात कर रहे हैं, जिसको है बस उसी का जो है गूगल मीट से या फिर जूम ऐप से पढ़ाएंगे हम भी। चलो देखो क्या है, तो कॉलम कायमा पढ़ रहे थे। तो कॉलम कायमा जो है एक प्रकार का पानी पीने दो पहले इनको। चलो ठीक है अब बढ़िया। तो कॉलम कायमा जो है एक तरह का सिंपलेस्ट परमानेंट, क्या है? सिंपल परमानेंट टिशू है, लिविंग सेल। किस चीज का? लिविंग सेल का सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू है। ये कैसा है? लिविंग सेल का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? तो लिविंग सेल का बना हुआ, और जो कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग देखे थे कोई भी प्लांट्स को लो, उसके स्टीम को लो, उसके लीव्स वाले पार्ट को लो, ठीक ना, और जब उसको हम लोग इस तरह से बेंड करेंगे तो बिना ही ब्रेक हुए वो बेंड हो जाएगा। तो वो जो बेंडिंग वाला जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है उसमें, वो फ्लेक्सिबिलिटी किसके वजह से आएगा? तो बोले तो कॉलम कायमा के वजह से आएगा। किसके वजह से आएगा? तो कॉलम कायमा के वजह से आएगा।
कॉलन कायमा के वजह से होता है। ठीक, तो चलो अब देखो क्या होता है। तो कहां कहां पर पाया जाएगा, तो लिप्स में पाया जाएगा, यंग स्टीम जो होता है, नया नया जो ताजा ताजा स्टीम, नया नया जो बनाया यंग स्टीम उसमें होता है, ठीक ना। और बिना ही बेंड तोड़े उसको बेंड करा सकते हैं। ये सब इसके अंदर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब इसके अंदर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि द सेल पजेस अनइवन थिकनिंग ऑफ सेलुलोज जनरली एट कॉर्नर। तो कॉर्नर वाले पोजीशन पर, किस वाले पोजीशन पर, तो कॉर्नर वाले पोजीशन पर इस टिश्यू का जो अनइवन थिकनेस होगा, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा, किस चीज का थिकनेस, तो सेलुलोज का थिकनेस। किस चीज का थिकनेस, तो सेलुलोज का थिकनेस किसी किसी जगह पर बहुत ज्यादा होगा, किसी किसी जगह पर बहुत कम होगा। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। मेनली कहां पर ऐसा अनइवन जो पाया जाएगा, तो मेनली कॉर्नर वाले पोजीशन पर। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि दो सेल के बीच, एक सेल ये वाला एक सेल ये वाला, इन दोनों सेल के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। देख सकते हैं एक सेल और ये दूसरा सेल, इन दोनों सेल के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बहुत लिटिल होगा या तो नहीं के बराबर होगा, जैसा कि तुम लोग देख सकता है इस स्ट्रक्चर में। ठीक, तो चलो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसका जो सेल है वो एक्चुअली में इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इलॉन्गेटेड होता है, लेकिन हम लोगों को ये कैसा, रेगुलर ओवल शेप का दिखता है, रेगुलर सर्कुलर शेप का दिखता है, रेगुलर एंगुलर शेप का दिखता है इन ट्रांसवर्स सेक्शन में। अगर हम लोग काट करके देखें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में इसका रेगुलर ओवल शेप दिखेगा, रेगुलर सर्कुलर दिखेगा या रेगुलर एंगुलर दिखेगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, या बोले तो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलो अब देखो क्या है, तो कॉलेनकाइमा जो है वो किस किस पोजीशन पर पाया जाएगा। तो कॉलेनकाइमा जो है लिप्स ऑफ स्टॉक में पाया जाएगा, स्टॉक वाला लिप जो रहेगा पत्ती का जो डंटी निकला हुआ रहता है, ऐसा ही वाला पोजीशन बोल सकते हैं, ये वाला स्टॉक इस वाले पोजीशन पर होगा। यहाँ पर जो लैमिन, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से जो निकला हुआ है, इसका मिड रिब बोलेंगे, तो मिड रिब में पाया जाता है। इसको हम लोग लिप्स को, पत्ती को मोड़ेंगे तो बिना टूटे वो मुड़ जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यही कॉलन कायमा इसमें देता है। ठीक, तो चलो अब देखो इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसका क्या क्या काम होगा, इसका क्या क्या फंक्शन होगा। सभी लोग एक बार हाँ लिखो, तो सभी लोग एक बार हाँ लिखो, जितने भी लोग हो सभी लोग एक बार हाँ लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट दिया क्या ये खाने के लिए हमको, गुड इवनिंग भैया, चलो ठीक है। सारे लोग हाँ लिखो, रिस्पॉन्स भी किया करो, ठीक ना, रिस्पॉन्स भी किया करो। ये तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ तुम लोग पढ़ भी रहा है, यस या नो, चलो ठीक है। अब देखो क्या है, इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में कॉलेनकाइमा जो है वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। कॉलेनकाइमा क्या होता है, चलो ठीक है, सही है, चलो। तो कॉलेनकाइमा जो एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है विच प्रोवाइड बोथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो कॉलेनकाइमा जो होता है वो जो है एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो प्रोवाइड करेगा दोनों तरह का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इसका क्या करेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक ना, तो ये इसका फंक्शन हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा, तो कॉलेनकाइमा प्रोवाइड अस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज क्या, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये। ठीक, तो चलो पहला इसका ये हो गया कैरेक्टर, बिना ही ब्रेक हुए ये बेंड हो जाएगा, बिना ही ब्रेक हुए ये बेंडिंग हो जाएगा, बस ये इसका।
अगला देखें तो कॉलन काइमा जो है एलो ग्रोथ क्या करेगा, ग्रोथ कराता है ये एंड इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का इलोंगेशन कराएगा, उसको बढ़ने में मदद करेगा, इलोंगेट कराने में इसको मदद करता है कौन, तो कॉलन काइमा कौन करेगा, तो कॉलन काइमा करेगा। ठीक है चलो अब देखो क्या है, तो बीइंग अ लिविंग टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू जो है ये जैसा कि जानने कॉलन काइमा तो बीइंग अ लिविंग टिश्यू जो है कॉलन काइमा जो फूड को स्टोर करता है, क्या करता है ये जो फूड को स्टोर करता है, फूड स्टोर होगा इसमें, पहला क्या करेगा कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, दूसरा ग्रोथ और इलोंगेशन कराएगा ऑर्गेन का, तीसरा कॉलन काइमा जो फूड को स्टोर करके रखेगा। अगला क्या है, कॉलन काइमा सेल में कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और जिस कारण से ये अपना भोजन भी बना सकता है यानी फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, तो ये सब फंक्शन हुआ कॉलन काइमा का, किसका कॉलन काइमा का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, फूड स्टोर करेगा, इलोंगेशन कराएगा, ग्रोथ कराएगा, भोजन प्रिपेयर करेगा, ठीक है ना, स्टोरेज करेगा भोजन को, ये सब इसका काम है, समझ में आया ना। चलो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें किसमें, तो पैरेन्काइमा में एंड कॉलेन्काइमा में क्या डिफरेंस है, तो पहला क्या, तो पैरेन्काइमा जो है इज पैरेन्काइमा आर इसका जो सेल होगा ना, पैरेन्काइमा सेल आर आइसोडायमेट्रिक, कैसा होता है आइसोडायमेट्रिक होगा, इसका कैसा होगा इलोंगेटेड होगा, इसका कैसा होगा इलोंगेटेड होगा, इलोंगेटेड का मतलब लंबा, इलोंगेटेड का मतलब लंबा, लॉन्गेटेड इलोंगेटेड लंबा रहेगा उसका। चलो उसके बाद इसका जो सेल वॉल थीन होता है, इसका सेल वॉल क्या होगा अनइवन थीन होता है, कहीं कहीं पर क्या होगा इवन, मतलब इवन होगा, कहीं का थीन होगा कहीं का ठीक होगा, ठीक है ना, कॉर्नर वाले पोजीशन पर सबसे ज्यादा। अगला पैरेन्काइमा जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी बोले तो बहुत ही कठोर, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा तो सॉफ्ट, ठीक है ना, रिजिडिटी ये प्रोवाइड करता है। हेलो अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में करते हैं, क्लास ले रहे हैं। हाँ तो ठीक ना, उसके बाद क्या है कि इट फॉर्म द पैकिंग टिश्यू ऑफ ऑल प्लांट ऑर्गेन, तो ये क्या करता है, इसका काम है जितना भी ऑर्गेन है प्लांट का उसके ऑर्गेन को पैक करेगा, पैकिंग टिश्यू के जैसा काम करता है, इट फॉर्म अ पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट ऑर्गेन, जहां जहां पर पार्ट में इस पे उसको पैक करने का काम करेगा, पूरा जहां टिश्यू सबको पैक करेगा पूरा पार्ट को, और ये क्या करेगा, ये जो है बोलेंगे हम लोग इट अकर हाइपोड्रामेटिकली इन डाइकोटन वाला, कहां पर डाइकोट स्ट्रीम में पाया जाएगा और लीव्स में पाया जाएगा, डाइकोट और लीव्स वगैरह में ये पाया जाएगा, तो ये इसका हम लोग बोलेंगे मेनली इसका ये फंक्शन है। तो हम लोगों के पास में दो एक डिफरेंस आया है पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा के बीच में, इसमें क्या क्या इसका डिफरेंस है लिखो, तो ये लिखेंगे हम लोग, टेस्ट में पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी आता है, तो लिख देना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम, एक बार क्या एक बार और बता दें, एक बार क्या, एक बार और क्या, ये आइसोडायमेट्रिक बोले तो इसका हर जगह से सेम डिस्टेंस पर होगा, ये इलोंगेटेड होगा लंबा जैसा होगा, यहां पर क्या होगा ये थीन होगा पतला होगा, ये थीन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, ये थीन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, ये कठोर होगा रिजिडिटी कठोर होगा, ये दोनों करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा, ये वाला जो है पैक करेगा पूरा जितना भी सेल है बॉडी है ऑर्गेन है इस ऑर्गेन का पूरा अंदर वाला मटेरियल बनाने का काम करेगा, और ये वाला क्या करता है डाइकोटन वाला जो स्टीम वगैरह जो पार्ट है स्टीम का डाइकोटन स्टीम में यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये बस ये इसका डिफरेंस है। कहां खंडन हो रहा है, इधर इधर तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत पानी पड़ रहा है बस। चलो अब अगला जो टॉपिक है वो मेरे पास में आया स्केलेटन काइमा, क्या है स्केलेटन काइमा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर से बता देते हैं रिवीजन हो जाएगा। चलो स्केलेटन काइमा क्या होता है,
स्क्लेरल काइमा जो है वो दो वर्ड से बनकर आया है, वो दो वर्ड से बनकर आया है। एक वर्ड हमारा हो गया स्क्लेरोज, स्क्लेरोज का मतलब होता है हार्ड, और इनकाइमा, इनकाइमा का मतलब होता है टीसू, इनकाइमा का मतलब होता है टीसू। तो एक ऐसा टीसू जो हार्ड होगा, दो वर्ड से बनकर आया है, ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस, स्क्लेरोस का मतलब हार्ड और एनकाइमा का मतलब टिश्यू। तो प्लांट का वैसा वैसा जगह जहां पर उसका पोजीशन पार्ट हार्ड होगा, वो हार्ड वाला पोजीशन किसके वजह से होगा, तो स्क्लेरेनकाइमा के वजह से होगा। जैसे सपोज हम लोग कोकोनट के बारे में जाने, ये वर्ड का मीनिंग आता है क्या टेस्ट में, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय स्क्लेरेनकाइमा, या फिर ऐसा पूछेगा फ्रॉम विच वर्ड, या फ्रॉम विच वर्ड स्क्लेरेनकाइमा इज डिराइव्ड, किस वर्ड से स्क्लेरेनकाइमा डिराइव हुआ है। तो अ ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस, ठीक है ना, मीनिंग हार्ड, एंड एनकाइमा मीनिंग टिश्यू। बस पूछ सकता है, नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना। अगर पूछ दे बताओ स्क्लेरेनकाइमा कहां से आया, अगर किसी को तुम्हें को बताना पड़े, केवल अगर मान कर चलो कि तुम ही कल दिन अगर किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी को बता रहे हो, या कोई जूनियर है घर में उसको तुम समझा रहे हो टिश्यू चक्र, उसके लिए तो जानकारी होना चाहिए ना कि क्या है, कहां से आया ये वर्ड, उसके लिए जानकारी ले लो। बगल में हो रहा है, इसलिए आ रहा है आवाज, ठीक है ना, टप टप आवाज, पानी का हो रहा होगा। चलो तो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका दिख रहा होगा अच्छे से, क्लियर क्लियर। ये वाला जो दिख रहा रेड रेड ना, यही क्या है, हार्ड वाला पार्ट है, यही हमारा स्क्लेरेनकाइमा हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है कि इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है ना, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ डेड हाइली थिक वॉल। तो ये क्या होगा, ये डेड, सबसे पहली बार तो ये कैसा होता है, तो डेड हाईली थिक्ड होता है, कैसा, डेड पहली बार तो डेड होगा और हाईली थिक्ड होगा, मतलब मोटा वॉल वाला, कितना कैसा होगा, मोटा वॉल वाला इसका सेल होगा, और इसी मोटे की वजह से ये कैसा नेचर का होगा, तो ये बोलेंगे हार्ड नेचर का होगा। तो ये भी परमानेंट टिश्यू का ही एग्जांपल है, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ डेड हाईली थिक्ड वॉल, ठीक है ना, विद अ लिटिल ल्यूमेन। देखो क्या होता है, ल्यूमेन जानेंगे, चलो उसके स्ट्रक्चर देखेंगे तब ल्यूमेन बताते हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्या होता है, अब देखो थिकनिंग जो होता है वो जनरली किस चीज का, लिग्निन का, किस चीज का, लिग्निन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है, विच फंक्शन एज अ सीमेंट। लिग्निन का एक कंपाउंड है, लिग्निन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका मतलब क्या, लिग्निन का मतलब क्या हुआ, तो लिग्निन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी चीज को हार्ड करने में मदद करता है, क्या करने में, हार्ड करने में मदद करता है। जो एक बार बहुत पहले एक पिक्चर देखे थे उसमें भी रेड था, हाँ ठीक है ना, उसमें भी रेड था, वही हार्ड वाला सर, वो अलग था, वो अलग था, ये अलग है। ब्लू में मतलब बताते हैं, बोले तो स्ट्रक्चर अभी जानेंगे ना, अभी बिल्ड उसका अभी स्ट्रक्चर पर जा रहे हैं, पिक्चर पर जाएंगे ना तब वहां बताते हैं। देखो ये वाला पिक्चर बताते हैं, पिक्चर में जाने तो उसके बताते हैं ल्यूमेन का मतलब क्या, लिटिल ल्यूमेन के बारे में, ठीक है ना। चलो तो लिग्निन का मतलब क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लिग्निन का मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा कि ये जो है वो जनरली थिक होगा, ठीक है ना, थिक मोटा होता है, किस चीज का होता है बना हुआ, लिग्निन का बना होता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, विच फंक्शन एज अ सीमेंट, वो कैसा काम करेगा, सीमेंट के जैसा काम करता है और हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है। जैसे कोकोनट वाला पार्ट लेते हैं, कोकोनट का देखो ये वाला देखो, ल्यूमेन पूछा ना इस वाले पार्ट को, इसी चीज को ल्यूमेन कहते हैं, ये वाला देखो, इसको ल्यूमेन कहते हैं, ये जो बीच में सर्कुलर जैसा दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं ल्यूमेन, इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहा जाता है। और थिक वॉल है, देखो इसका वॉल कैसा थिक है, पूरा इतना मोटा वॉल है इसका, कितना मोटा वॉल है, ये जो वॉल दिख रहा है, ये वाला ल्यूमेन कहेंगे इसका। देखो किसी चीज का ये वाला पोजीशन को ल्यूमेन कहते हैं, यहां से लेके यहां तक के पोजीशन को ल्यूमेन, ठीक है ना, ये ल्यूमेन हो गया। चलो ये वाला ल्यूमेन हो गया और वॉल इसका देख रहे हैं बहुत ही थिक वॉल है, और यहां से लेके यहां ये दो लाइन जो दिख रहा है ना, इसके इसके बीच के लाइन को लोग कहते हैं पिट, क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं, ठीक है ना, पिट्स कहते हैं। चलो
समझ में है? वॉल जो आएगा कंटेन करेगा अनथिकेंड एरिया, जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं। अनथिकेंड एरिया होगा ये वाला, अनथिकेंड एरिया इसी को पिट्स कहते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन हो गया, अनथिकेंड एरिया को पिट्स कहा जाता है, ठीक ना। अब देखो ये जो होता है वो दो टाइप्स का हुआ करता है। कितने टाइप्स का हुआ करता है? ल्यूमेन से मोटा, हाँ ल्यूमेन से मोटा है। देखो ना लिटिल ल्यूमेन लिखा है ना, लिटिल है, बहुत ही छोटा रहेगा, लिटिल ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन कैसा होगा? लिटिल ल्यूमेन होगा। और हाईली थिक वॉल होगा। देखो यहाँ पर डेड हाईली थिक, हाईली क्यों लगाया गया कि बहुत ज्यादा होता है। हाईली थिक वॉल विथ लिटिल ल्यूमेन, ल्यूमेन छोटा होगा और उससे बड़ा होगा हमारा सेल वॉल, उससे बड़ा होगा सेल वॉल। चलो ठीक है, अब देखो क्या होता है उसके बाद। स्कलरन काइमा दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप को कहेंगे फाइबर टाइप होता है, फाइबरी टाइप का। और दूसरा क्या? स्केलेरॉइड। स्केलेरॉइड कौन सा हो गया? स्केलेरॉइड, ठीक है ना, स्केलेरॉइड हो गया और दूसरा फाइबर हो गया। तो हमारे पास में स्केलेरन काइमा दो टाइप्स का होता है, एक को कहते हैं फाइबर टाइप और दूसरा क्या होता है? स्केलेरॉइड टाइप। तो फाइबर वाला जो हो गया वो रेशा के जैसा है, ये वाला जो ऐसा शेप रहेगा इसी को कहते हैं फाइबर वाला टाइप। इसी को क्या कहेंगे? फाइबर टाइप है। थर्ड पॉइंट पूरा नहीं दिख रहा है, राइट साइड। अच्छा एक सेकंड रुको, क्लियर करते हैं थर्ड पॉइंट कहाँ नहीं दिख रहा है। क्या है थर्ड पॉइंट में? थर्ड पॉइंट में अच्छा नहीं दिखा थर्ड पॉइंट, अब दिख रहा है। चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा ना। हाँ फिर टाइप्स। चलो तो स्केलेरन काइमा का दो टाइप्स होगा, एक को कहेंगे फाइबर, दूसरे को स्केलेरॉइड कहेंगे। देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तब इसको हम लोग कहेंगे फाइब्रिक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है स्केलेरॉइड हो गया। क्या हो गया? स्केलेरॉइड हो गया। यहाँ पर इसका छोटा सा एक ल्यूमेन होगा, मोटा सा इसका सेल वॉल होगा, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को पीट्स करते हैं। क्या करते हैं? पीट्स करते हैं। यहाँ पर वही चीज देख सकते हैं, ये वाला इसका ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया, अंदर वाला ये थिक हो गया और ये सेल वॉल इसका हो गया। सही है, क्लियर है, समझ में आया? क्या कर रहा है? भूत का साइन बना रहा, डरा रहा है, रो कर रहा है सर, अलग अलग इमोजी बनाता है तुम लोग। चलो अब देखो स्केलेरन काइमा फाइबर जो है वो कैसा शेप का? स्प्लिंडल शेप का होगा, लॉन्ग शेप का होगा, नैरो सेल का बना होगा, और लेंथ इसका कितना से कितना तक होगा? 1 mm से लेकर के 550 mm तक का होगा। इसका शेप कैसा होगा? तो स्प्लिंडल शेप का होगा, ठीक है ना, ऐसा वाला, ऐसा 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 शेप का, इस तरह से लंबा होगा, नैरो होगा, और इसका लेंथ 1 mm से लेकर के 550 mm तक का हो सकता है, 1 to 550 mm का हो सकता है। जनरली ये कैसा होगा? सीट और एक बंडल के फॉर्म का होगा। सीट फॉर्म का बोले तो कुछ ऐसा एक सीट होगा, अब इसी सीट में कुछ ऐसा 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 बना रहेगा, या तो बंडल के सिर का ऐसा, बंडल के सिर का ऐसा, बंडल के सिर का होगा। तो दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है, दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। पहला तो ये सीट के फॉर्म में होगा, सीट के फॉर्म में ऐसा, और दूसरा बंडल के फॉर्म में ये होगा, ठीक ना। अब देखो स्केलेरॉइड जो होता है वो क्या होगा? शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और ब्रॉड होगा, हाईली थिक वॉल होगा। इसका हाईली थिक वॉल होता है किसके कंपैरिजन में? तो फाइबर वाले के कंपैरिजन में। फाइबर वाले के कंपैरिजन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर शॉर्ट होगा, ब्रॉड होगा, और हाईली थिक वॉल्ड होगा, हाईली थिक वॉल्ड होगा। फाइबर वाला देखे थे, बस फाइबर वाला था सिंपल ऐसा कुछ था, और इसका मोटा था पूरा, ठीक है ना। इसमें क्या था? ल्यूमेन इसमें छोटा सा था, और सेल वाले इसमें बहुत ही थिक था। समझ पा रहे हो? चलो अब देखो क्या होता है उसके बाद। स्केलेरन काइमा सेल जो है वो सिंगल में भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो स्मॉल ग्रुप में पाया जा सकता है। कैसा में होगा? ये जो सेल होगा विच अकर सिंगल, या तो सिंगल में होगा या तो छोटे से ग्रुप में होगा। अभी प्लांट का ही चल रहा, हाँ अभी प्लांट का ही चल रहा, एनिमल का नहीं स्टार्ट किया, अभी प्लांट का ही चल रहा। चलो अब देखो हम लोग देखेंगे स्केलेरन काइमा जो है कहां कहां पाया जा।
आता है तो स्टीम में पाया जाएगा, मोनोकोट स्टीम में पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाएगा, फ्लोएम में पाया जाता है। देखो कोकोनट हम लोग देखते हैं तो कोकोनट वाला कहाँ वाला, तो कोकोनट वाले पार्ट पर कहाँ पर कोकोनट का, या तो हम लोग ये वाला तो देख रहे हैं ना अखरोट बादाम, तो इसका ये वाला जो हार्ड सरफेस है क्या, इसको हम लोग हाथ से तोड़ सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, बहुत ही हार्ड होता है। तो ये हार्ड कौन प्रोवाइड कराया है इसको हार्डनेस, यही प्रोवाइड करा रहा है कौन सा, स्केलेरन काइमा, स्केलेरन मतलब हार्ड और काइमा का मतलब टिश्यू, तो हार्ड टिश्यू ये वाला टिश्यू या बादाम का ऊपर वाला जो टिश्यू, मूंगफली का जो ऊपर वाला जो कवर होता है वो हार्ड होता है, वो हार्डनेस कौन दे रहा, तो वो हार्डनेस हमारा यही दे रहा, कौन, स्केलेरन काइमा दे रहा। क्या है फोर्थ पॉइंट फिर से, अच्छा फोर्थ पॉइंट नहीं आया, कहां गया फोर्थ पॉइंट, हाँ तो ये वाला फोर्थ पॉइंट देखो, ये कहा गया है कि स्केलेरन काइमा का जो है वो सेल या तो सिंगल में हो सकता है, एक ही सिंगल में होगा, या तो छोटे से स्मॉल ग्रुप्स में पाया जाएगा, सिंगल में होगा या तो छोटे से ग्रुप्स में पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला इसका हार्ड सरफेस है, या तो सिंगल में होगा ये, या तो छोटे से ग्रुप में प्रेजेंट होगा, या तो छोटे से ग्रुप में प्रेजेंट होगा। या कोकोनट वाला जैसे हम लोग ये देखते हैं ये वाला कहाँ गया, जैसे कोकोनट का ये वाला पार्ट बहुत ही हार्ड है, तो हार्ड है वो हार्डनेस कौन प्रोवाइड कराया, यही प्रोवाइड कराएगा, स्केलेरन काइमा प्रोवाइड कराएगा। जैसे इलायची का ऊपर वाला कवर देखते हैं हार्ड है, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो हमारा स्केलेरन काइमा प्रोवाइड करेगा। एंड ये सब क्या है स्केलेरन काइमा का, हाँ स्केलेरन काइमा ही है, ये सब स्केलेरन काइमा ही है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो और पागल हो जाओगे, ठीक ना। ये तो इतना पिक्चर दिखा दिखा के पढ़ा रहे तब आसान लग रहा होगा। स्ट्रक्चर था ना स्केल का मादा, चलो नहीं दिया बुक में, एनसीईआरटी में तुमने का नहीं दिया, एनसीईआरटी से पढ़ेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहां कैसे क्यों हुआ, चलो बस लाइन बाय लाइन लिख दिया गया। तो ये चीज है इसमें, तो स्केलेरन काइमा अकर इन स्टीम एज ए क्या, हाइपोडर्मिस इन द मोनोकोट स्टीम, तो दो तरह का स्टीम होता है, एक बार कंप्लीट होने के बाद बढ़िया सा रिवीजन कर लेना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो बस सिंपल है, पहले कंप्लीट तो कर लो उसको, उसके बाद जब एक बार रिवीजन क्लास लेंगे इसका ना, तब अच्छे से आ जाएगा समझ में। चलो तो क्या है स्केलेरन काइमा, वो होगा स्टीम वाले पार्ट में, ठीक है ना, मोनोकोट स्टीम में। देखो दो तरह का स्टीम होता है, एक हमारा होता है डाइकोट स्टीम और एक को कहते हैं मोनोकोट स्टीम। डाइकोट स्टीम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बोले तो यहाँ पर जाइलम होगा, यहाँ फ्लोएम होगा, लेकिन इसमें जाइलम और फ्लोएम जो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, इस तरह से पाया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से ये पाया जाएगा इसमें। तो दो तरह का देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा बना हुआ, जो हार्ड वाला पार्ट होता है, हार्ड वाला पार्ट ये होगा, और जो बहुत ही सॉफ्ट वाला पार्ट जैसे ये वाला देख सकते हैं इसमें, देखो ये देख पा रहा है ये कैसा है, तो ये हमारा मोनोकोट वाला जो बहुत ही सॉफ्ट होता है मोनोकोट, और जो हार्ड वाला रहेगा इसी हार्ड वाले को हम लोग, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं उड़ी वाला स्ट्रक्चर जो होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये वाला जो इस वाले पार्ट में पाया जाता है, एप्पल का जो ग्रिट वाला पार्ट है वहां पाया जाएगा, बाबा हो गया पियर हो गया उसके ग्रिट वाले पार्ट में पाया जाएगा, जो बादाम नट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स रहता है वो सब जो हार्ड सरफेस हो गया, हार्ड सरफेस स्केलेरन काइमा। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जो देखो यहाँ पर देख सकते हैं इलायची का ऊपर वाला कवर हो गया स्केलेरन काइमा हो गया, कोकोनट का ऊपर का कवर हो गया स्केलेरन काइमा, यही हार्डनेस प्रोवाइड करता है। एप्पल का जो ये वाला पार्ट देखते हैं ये वाला हार्ड होता है पूरा, ये वाला इसको कहते हैं ग्रिप, इसका ये वाला पार्ट हार्ड होता है, वो हार्ड कौन प्रोवाइड कराया, कौन दिया इसका, तो यही जो हार्डनेस है वो स्केलेरन काइमा की वजह से हार्डनेस हुआ, स्केलेरन काइमा की वजह से ये हार्ड हो रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद अब स्केलेरन काइमा का क्या फंक्शन है, तो स्केलेरन काइमा जो है वो क्या है, एक चीप मैकेनिकल टिश्यू है, क्या है, एक चीप मैकेनिकल टिश्यू है प्लांट का, जो प्रोवाइड करेगा
हेल्थ प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ तरह तरह का स्ट्रेस वगैरह उसको प्रोवाइड कराएगा। तो मेनली कहेंगे कि ये हार्डनेस प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है। प्लांट में जिस जिस पोजीशन पर हार्ड दिख रहा है वो सारा स्केलेरन काइमा के वजह से हार्ड है। किसके वजह से? तो स्केलेरन काइमा के वजह से हार्ड है। तो बोलेंगे इट इज अ चीप मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट विच प्रोवाइड देम स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसका हार्डनेस प्रोवाइड करेगा और बहुत जगह पर ये स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका पहला काम है, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बस इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना, इट प्रोवाइड्स हार्डनेस और स्ट्रेंथ। समझ में आया? चलो अब ये क्या करेगा कि प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करेगा? तो कवर, जैसे कि सपोज करो कि हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, कोकोनट लिए, तो कोकोनट का ऊपर वाला जो कवर देख रहे हैं, ऊपर वाला कवर क्या कर रहा है? अंदर का जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। इलायची का ऊपर वाला कवर देखें, इलायची का ऊपर वाला कवर क्या वेस्ट होता है, हालांकि उसका भी यूज किया जाता है, लेकिन मेन अंदर वाला होता है जो ब्लैक ब्लैक इसमें दाना जो रहता है उसका उसको प्रोटेक्शन कर रहा है ये वाला। उसके बाद मूंगफली की बात करें, मूंगफली जो होता है वो मूंगफली में देख पा रहे हैं हम लोग, अंदर का जो जो बादाम है वो बादाम को क्या कर रहा है, अंदर वाला, तो उसको प्रोटेक्शन दे रहा कौन, ये वाला। तो मेन काम इसका ये है कि प्रोटेक्शन देना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, उसको कवर करके रखना, ये सब काम इसका हो गया, ठीक है ना। स्केलेरन काइमा का फाइबर जो है कुछ कुछ प्लांट का वो कॉमर्शियली जो उसको हम लोग निकालते हैं कॉमर्शियल पर्पस करने के लिए, जैसे फ्लेक्स बनाने के लिए या फिर हम जूट वगैरह हो गया या कोकोनट वगैरह हो गया, ये सब के लिए उसको निकाला जाता है, ये सब के लिए उसको निकालते हैं। तो स्केलेरन काइमा को मेनली हार्ड प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा अंदर वाले मटेरियल को, साथ ही साथ क्या करेगा, कुछ कुछ प्लांट का जो हमारे पास कॉमर्शियल एक्सपोर्टेड किया जाता है, मतलब उसको निकालते हैं मेनली हम लोग, बस उसी को निकाला जाता है मेनली इसको कॉमर्शियल बिजनेस के पर्पज से। जैसे कोकोनट का हम लोग घास वगैरह को निकालते हैं और उसे रस्सी वगैरह बनाया जाता है, ठीक ना, मैट वगैरह बनाया जाता है, बनाया जाता है। उसी तरह से और भी तरह का जूट हम लोग निकालते हैं, जूट का बोरा बनाया जाता है, जूट का बैग बनाया जाता है, वो सब सब जो है वो सब सारा स्केलेरन काइमा है। थर्ड ही तो बता रहे हैं, प्लांट का कुछ कुछ हार्डनेस वाला पार्ट को हम लोग निकालते हैं कुछ बिजनेस पर्पस के लिए, से बोरा बनाने के लिए, जूट का बोरा देखा होगा, किसके वजह से, इसी के वजह से हम लोग कोकोनट का जो हस्क वगैरह जो पार्ट होता है, जो छिलका वगैरह, तो उसको निकालते हैं किस पर्पस के लिए, रोप बनाने के लिए, रस्सी वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब फंक्शन इसका काम करते हैं, ये सब काम है इसका कॉमर्शियल, मतलब बेचने के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए, बेचने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा में क्या अंतर है, अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं। चलो समझ में आ गया क्या क्या करता है। कमर्शियल का मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, बेचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको निकालेंगे, कुछ अदर मटेरियल बनाएंगे, तब बेच देंगे। वंस मोर, चलो कौन सा वंस मोर बता दे, चलो ठीक है, इसका फंक्शन बताना है। तो स्केलेरन काइमा एक चीफ मैकेनिकल टिश्यू होता है प्लांट का, जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसको स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। पहला फंक्शन ये, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ बोले तो हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। दूसरा काम ये प्रोटेक्ट करेगा अंदर वाला मटेरियल को कवर करने के लिए, जैसे कोकोनट, कोकोनट का अंदर वाला मटेरियल खाया जाता है, बाहर वाला उसमें क्या होता है, हार्ड सरफेस होता है या हार्ड ऐसा हस जिसको कहते हैं वो होता है। तो ये सब उसको प्रोटेक्शन दे रहा, उसको प्रोटेक्शन दे रहा, ठीक ना, उसको प्रोटेक्शन दे रहा, उसको कवर करके रखा है। हम लोग इलायची लेते हैं, इलायची लेते हैं, अंदर का जो दाना है उसको प्रोटेक्शन कौन करेगा, उसका जो कवर है वो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। स्केलेरन काइमा का फाइबर जो होता है कुछ कुछ प्लांट का, उसको कॉमर्शियली हम लोग निकालते हैं और उसका इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं, मैट बनाने के लिए करेंगे, ठीक है ना, हम लोग रोप बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए करते हैं, और भी तरह तरह का यूज हम लोग करते हैं। जूट निकालते हैं, जूट का अलग अलग पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, कोकोनट का हस वगैरह जो निकालते हैं उसको अलग अलग पर्पस में काम करते हैं, फ्लैश वगैरह निकाला जाता है प्लांट का रेसा से, उसका अलग अलग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग,
हार्डनेस सारा हो गया, सब हार्ड वाला सरफेस हो गया, बस यही चीज इसका। आ गया समझ में? अब इसके फंक्शन डिफरेंशिएशन की डिफरेंस मतलब इसका क्या कर लेते हम लोग, हाँ फंक्शन ऑफ इसका अब इसका डिफरेंस की बात करते हैं। चलो डिफरेंस इसका क्या होगा, तो सबसे पहला डिफरेंस ये ए जो है वो आइसोडायमेट्रिक नेचर का होगा, ठीक ना। अच्छा ये तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा का तुम लोग देख ही नहीं ये तो देखेंगे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, हमारे पास आया है प्रोटेक्टिव टिश्यू, वो डिफरेंस तो वही का रिपीट था। चलो प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोग का पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा खत्म हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे लास्ट इसका है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये भी थोड़ा लंबा है, हल्का सा ज्यादा नहीं है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट इज अनदर लेयर, क्या होता है आउटर लेयर है, कोई भी ऑर्गेन का आउटर लेयर जो होता है जिससे प्लांट का ऑर्गेन कवर है उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं उसी को प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे स्टिंग वाला पार्ट, रूट वाला पार्ट, लीव्स वाला पार्ट, फ्लावर वाला पार्ट, फ्रूट वाला पार्ट, और भी तरह तरह का जो ऑर्गन है उसके ऊपर का जो लेयर है, उसके ऊपर का जो कवर है, वो जो टिश्यू से बना है उसी टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव टिश्यू स्किन हो गया, ये सब स्किन हो गया, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग कोई भी प्लांट्स लेंगे, प्लांट्स का स्टीम ले लो, प्लांट का रूट ले लो, प्लांट का लीव्स ले लो, प्लांट का फ्लावर ले लो, प्लांट का फ्रूट्स ले लो, ये सब जो है एक लेयर से कवर होता है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसी को कहेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसी को कहेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे? हाँ ये नहीं बताए, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू नहीं बताए, वो हमारे एपिडर्मिस था उस वाले पार्ट में, यहाँ अलग है पढ़ेंगे हम लोग, वही है थोड़ा सा बस जान देते हैं, डिटेल से जानेंगे यहाँ पर। चलो तो क्या करता है, किस किस चीजों से बचाता है, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन देता है एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ को, जैसे पैथोजेंस हो गया, मतलब जो भी जर्म्स वगैरह बात कर सकते हैं, बीमारी फैलाने वाला जो भी जर्म्स है उससे बचा करके रखेगा, पैथोजन से बचा करके रखता है, ठीक ना। उसके बाद गैस का एक्सचेंज वो कराएगा, गैस का एक्सचेंज कराता है। जैसे हम लोग लेंगे प्लांट लीव्स लेते हैं, तो लिप्स में छोटा छोटा जो पोर्स पाया जाता है, स्टोमेटा जो होता है, वो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसी प्रोटेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो दो टाइप्स का होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप्स का होता है, एक को हम लोग कहेंगे एपिडर्मिस कहेंगे और दूसरे वाले को कहेंगे कॉर्क, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्क। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू इज एन आउटर लेयर ऑफ सेल दैट कवर्स प्लांट पार्ट, बोले तो रूट हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर एंड पैथोजेंस, ठीक है ना, इसी को कहेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। दो तरह का, एक एपिडर्मिस और एक हमारा कॉर्क हो गया, ठीक है ना, कॉर्क हो गया। चलो अब देखो यहां पर स्ट्रक्चर देखें, इसका फ्यूटाइप, चलो देखो क्या है, ये हम लोगों का कोई भी प्लांट है, प्लांट का कुछ पार्ट्स लिए हुए, अब इसी पार्ट को लेने के बाद देखो ऊपर का ये वाला जो कवर देख रहे हैं, ये वाला कवर हमारा होता है एपिडर्मिस, इसी को कहते हैं एपिडर्मिस, और उसके ऊपर एक छोटा सा पतला सा लेयर होता है, वैक्स के जैसा लेयर, प्लास्टिक के जैसा लेयर, जो कि इसको बचा करके रखता है, इसको कहते हैं क्यूटिकल, CUTICL, क्यूटिकल, इसको कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा एपिडर्मिस हो गया, उसके ऊपर ठीक ऊपर जो दिख रहा है ये वाला जो लेयर है, ये लेयर वैक्स जैसा होता है जिसमें वाटर का इफेक्ट कुछ नहीं होता, पानी वगैरह डालेंगे तो वो क्या होगा, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, ऐसा 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 पूरा इधर उधर दौड़ने लगता है।
तो वही हमारा क्यूटिकल, इसका फंक्शन भी जानेंगे हम लोग। चलो एपिडर्मिस आया समझ में कहां पर होता है, और उसके नीचे, उसके नीचे ठीक नीचे ये वाला जो लेयर दिख रहा इसी लेयर को कहते हैं कॉर्क, इसी लेयर को कहते हैं क्या कॉर्क, इसी को कहेंगे क्या कॉर्क कहते हैं, और इसके ऊपर हमारा एपिडर्मिस। तो ये जो दोनों वाला जो पार्ट है इसी दोनों पार्ट को मिला करके हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, इन्हीं दोनों को मिला करके प्रोटेक्टिव टिश्यू लेते हैं। स्केलेनकाइमा के दो टाइप्स के बारे में नहीं पढ़े, पढ़ना नहीं था, बस जानकारी लेना था क्या होता है, बस और कुछ नहीं, उसको डिटेल स्टडी नहीं करना है, वो उसका स्ट्रक्चर के बेसिस पर जाना गया। अगर फाइब्रिक स्ट्रक्चर है तो फाइबर वाला कहेंगे, एंड अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग स्केलेनाइड कहेंगे, उसका डिटेल नहीं जानना था, बस उसके टाइप के बेसिस पर दो नाम दे दिया गया उसको, बस उतना ही जानना था हम लोगों को, डिटेल से नहीं घुस के पढ़ना उसमें, ठीक ना, उतना ही उसका। तो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस और कॉर्क है, तो एपिडर्मिस ये वाला ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये एपिडर्मिस हो गया, उसके नीचे वाला कॉर्क हो गया, एपिडर्मिस के ऊपर हमारा एक पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है ना। चलो डिटेल से नहीं पढ़ना उसका, समझ में आया, उसके नीचे होता है क्या, इसके नीचे हमारे पास में हो गया कॉर्क कैम्बियम, इसके नीचे कॉर्क कैम्बियम जिसको सिंपल में कैम्बियम कहते हैं, उसके नीचे हमारा होता है क्या फ्ले, क्या होता है फिलोडर्म होता है, ठीक है ना, फिलोडर्म, और उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, ये सब इसका क्या लेयर बाय लेयर है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। हम लोग डाइट फाड़ देते हैं जो भी लिप्स वगैरह हो गया कार्टून के देखेंगे, लेकिन इतना एक्चुअल में होता है अंदर में इसका, एक्चुअल में अंदर में इसका ये पार्ट होता है। चलो अब देखो एपिडर्मिस की बात कर ले, अब क्या है एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं, देखो क्या होता है एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, दो ग्रीक वर्ड, एक होता है एपी, तो एपी का मतलब होता है अपोन, ठीक है अपोन, और एक होता है डेरमा, एक होता है क्या डेरमा, इसी के कॉर्क को रोबर्ट हुक देखे थे मैं, हाँ यही वाला कॉर्क, यही वाला कॉर्क, इसी कॉर्क की बात कर रहे थे, ठीक है ना, जब वो डेड हो गया था तो। चलो तो ये दो पार्ट से बना है, दो ग्रीक वर्ड से बना है, जीके का मतलब ग्रीक वर्ड, एक हो गया एपी, एपी का मतलब ऊपर वाला अपॉन, और दूसरा डेरमा, डेरमा का मतलब होता है स्किन, मतलब ऊपर वाला स्क्रीन, एपिडर्मिस का मतलब ऊपर वाला स्क्रीन, एपी का मतलब अपॉन और डेरमा का मतलब स्किन। तो एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गेन, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गेन इज कॉल्ड एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गेन इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ऊपर वाला प्रोटेक्टिव लेयर हमारा एपिडर्मिस कहलाएगा। अब एक लीफ से मेरे पास इस पत्ती का छोटा सा पोर्शन लिए है, माइक्रोस्कोप से अगर बड़ा करके देखें तो हम लोग को कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। तो यहां पर जो दिख रहा ये वाला पोजीशन, ये वाला जो लेयर दिख रहा, इसी लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, क्या कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं, और उसके ऊपर में ठीक एक पतला सा छोटा सा लेयर होता है, उसी लेयर को क्यूटिकल कहेंगे, क्या कहेंगे क्यूटिकल्स कहा जाता है, जो कि वैक्स से बना होता है, इसका भी दो टाइप नहीं, इसका दो टाइप नहीं है। चलो ठीक है ना, ये एपिडर्मिस हो गया, उसके नीचे का जो लेयर होता है ये वाला लेयर होता है, इसको मेसोफिल कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ जो दिख रहा है मेसोफिल कहते हैं, उसके नीचे हमारा जाइलम फ्लोएम होता है, इसके नीचे ये वाला जो दिख रहा है ना ये जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है अपने पास एपिडर्मिस, आगे बढ़े चलो, अब हम लोग देखते हैं रूट का एपिडर्मिस, वो तो लीफ्स का एपिडर्मिस देखे हैं, लीफ्स का एपिडर्मिस, अब देखो रूट का एपिडर्मिस देखते हैं, ठीक है ना, रूट वाला एपिडर्मिस कैसा होता है, देखो रूट का, तो ये रूट वाला पोर्शन है अपने पास में, तो रूट में भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, रूट में भी एक प्रोटेक्टिव कवर होता है,
उसी कवर को हम लोग एपिडर्मिस कहेंगे। देखो ये रूट वाला पार्ट हम लोग लेंगे, अब लेने के बाद यहाँ का जो लेयर है इसी लेयर को काट करके निकाल देंगे छोटा सा पतला सा। देखो यहाँ पर दिख रहा पतला सा लेयर, यही पतला सा लेयर एपिडर्मिस कहलाता है। और ठीक उसके नीचे फिर ये वाला पार्ट कॉर्क हो गया, क्या हो गया, कॉर्क हो गया, ठीक ना, यही एपिडर्मिस ऊपर वाला लेयर, ठीक ना। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, तो एपिडर्मिस जो है वो कॉमनली सिंगल लेयर कैसा होता है, एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, बस एक ही लेयर, इसमें मल्टीपल लेयर नहीं होता है, एक ही लेयर होता है, बस कुछ कुछ प्लांट को छोड़कर। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बैनियन का ट्री हो गया, फिर ऑलेंडर का ट्री हो गया, कुछ कुछ प्लांट होता है इसमें मल्टीपल जेरोफाइटिक प्लांट है, मल्टीपल क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक के बाद एक, उससे ज्यादा भी होता है कुछ कुछ प्लांट को छोड़कर। तो याद रखना एपिडर्मिस कॉमनली सिंगल लेयर होता है, एक ही लेयर का एपिडर्मिस होगा, बस कुछ प्लांट को छोड़ करके। कुछ प्लांट में हमारा क्या हो गया, ऑलेंडर हो गया, बैनियन ट्री हो गया, ये सब कुछ कुछ प्लांट है जिसको जेरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। अब इन जेरोफाइटिक प्लांट्स में मल्टीपल लेयर होता है एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस का मल्टीपल लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग का है, सेल जो होगा एपिडर्मिस का वो कैसा इलॉन्गेटेड होगा और क्लोजली पैक्ड होगा। देखो यहां पर गौर से देखो, तो यहां पर देख सकते हैं लंबा है, इलॉन्गेटेड है, और साथ ही साथ क्लोज पैक्ड है। कैसा है, एक दूसरे के साथ में बहुत ही करीब करीब जुटा हुआ है, एकदम क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो सेल जो होगा एपिडर्मिस का इलॉन्गेटेड होगा और क्लोजली पैक्ड होगा, और स्पेस जो है उसके बीच में नहीं पाया जाएगा, डू नॉट अकर बिटवीन देम, स्पेस डू नॉट अकर बिटवीन देम, दोनों के बीच में स्पेस नहीं पाया जाएगा, और पाया भी जाएगा तो बहुत ही छोटा स्पेस पाया जाएगा जिससे गैस का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, गैस एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। चलो ठीक है, देखो क्या है, सेल जो रहेगा जनरली क्या होगा, ठीक होगा, कैसा होगा, ठीक होता है, ठीक है ना। देखो आउटर वाले पार्ट पर ठीक होगा और इनर वाले साइड पर इसका थीन होता है, कुछ ऐसा। आउटर वाले पार्ट जो बाहर वाले पार्ट पर ठीक होगा और जो इनर वाला पार्ट है इनर वाले पार्ट पर थीन होगा, पता ऐसा ऐसा। ये आउटर पार्ट है, यहाँ पर थीन हो गया, मोटा है, अंदर वाले पार्ट में कैसा थीन होगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो द सेल आर जनरली थिक्ड, ठीक है ना, थिकेन ऑन देयर आउटर एंड रेडियल साइड, ठीक है ना, रेडियल साइड में, और रेडियल वाला जो साइड होता है वो अलग पार्ट में, और थीन वॉल्ड इनर साइड में थीन होगा, बाहर वाले पोजीशन पर मोटा और अंदर वाले पोजीशन पर पतला, कुछ ऐसा, अंदर वाले में पतला है और बाहर वाले पोजीशन पर मोटा, ऐसा मोटा आते आते पतला। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब लास्ट पॉइंट इसका ये है कि एरियल पार्ट जो देखते हैं, एरियल पार्ट बोले तो सबसे ऊपर वाला पार्ट, एरियल पार्ट प्लांट का एरियल पार्ट हो गया, फिर आउटर थिक वॉल जो रहेगा वो कवर्ड होता है, किससे वो कवर होगा, वाटर, जो कवर होगा वाटर इम्परमेबल फैटी सबस्टांस, इसको क्यूटिकल क्या कहते हैं, क्यूटीन कहते हैं, एक ऐसा सबस्टांस होगा जिसमें वाटर को परमिट नहीं करेगा, वाटर इम्परमेबल होता है, परमिएबल मतलब उसको वाटर को परमिट करेगा वहां पर बैठने के लिए, लेकिन वाटर इम्परमेबल
का मतलब होता है कि वहां पर जैसे वाटर देंगे ना, वाटर देने के बाद वो क्या फिसल करके वाटर बाहर चले जाएगा, तो उसके ऊपर एक कवर होता है, किसके वजह से एक सबस्टांस पाया जाता है, फैटी सबस्टांस, जिसको कहते हैं क्या क्यूटीन कहते हैं, क्या कहते हैं क्यूटीन, और यही ऊपर में जो लेयर पाया जाता है इसी लेयर को क्यूटिकल कहते हैं, क्या कहते हैं क्यूटिकल कहा जाता है, बस ये चीज हो गया। तो क्यूटीन और वैक्स जो है वो एक सेपरेट नॉन सेलुलर कोट बनाता है उसके ऊपर वाले में, इसी को कहते हैं क्यूटिकल्स, क्या कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं। नीचे ब्लर क्लियर आ रहा, नीचे बोले तो तेरा फोकस ऊपर से आ रहा है ना, इसलिए नीचे में थोड़ा बहुत बोल आता है। तो ये चीज है अपने पास में। अब क्यूटिकल जो है ये बहुत बहुत ही थीन होता है, ठीक है ना, जेरोफाइटिक प्लांट में, जेरोफाइटिक प्लांट में बहुत ही, जैसे बैनियन का ट्री हो गया, इन सभी में बहुत ही क्या होगा, थीन होगा, पतला ठीक होगा, मोटा होगा, ठीक है ना, चूंकि मल्टीपल लेयर होगा इसलिए। अब देखो क्या होगा, प्लांट मेसोफाइटिक प्लांट जो होता है उन सभी प्लांट में ये छोटा पतला होगा, ठीक है ना। चलो सब नॉर्मली जो प्लांट देखते हैं वो सब। अब जो ग्रास की बात करते हैं, घास वगैरह में अगर देखें तो घास वगैरह में जो ये पार्ट होता है एरियल पार्ट में, ठीक है ना, एरियल वाले पार्ट में इसका होता है, ये एरियल ऊपर वाला जो पार्ट होता है एरियल वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में घास ऐसा कुछ है। तो जो एरियल वाला जो पार्ट देख रहे हैं एरियल वाला पार्ट, उस एरियल वाले पार्ट में हमारा ये क्यूटिकल पाया जाता है, ठीक ना। चलो तो ये सब इसका हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखा जाता है। क्यूटिकल क्यूटीन है क्या, हाँ क्यूटिकल क्यूटीन क्या है, क्यूटिकल क्यूटीन देखो सबसे पहले हमारे पास में देखो ये वाला, ये है, एक सेकंड लोगों को दिखाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एपिडर्मिस के ऊपर में एक और पतला सा लेयर दिख रहा है, वो पतला सा लेयर जो एक वाटर इम्परमिएबल फैट सबस्टांस का बना होता है, जिस सबस्टांस को क्यूटीन कहते हैं, और उसे क्यूटीन का एक लेयर चढ़ा रहता है जिस पर वाटर आएगा फिसल करके गिर जाएगा, वाटर आएगा फिसल करके उधर चले जाएगा। एक बार भी नहीं, हम लोग रगड़ देंगे पत्ती को ऐसा, उसके बाद वाटर देंगे तब वाटर वहां पर इकट्ठा रहेगा, वैसे जैसे वाटर छिड़केंगे ना, छिड़केंगे वाटर फिसल करके नीचे गिर जाएगा ना। तो एक फैटी सबस्टांस होता है वहां पर, उसी फैटी सबस्टांस को क्यूटीन कहते हैं, और उससे क्यूटीन का लेयर को क्यूटिकल कहते हैं, बस यही चीज है। आया समाज, बोल दो क्लियर हुआ सभी को। चलो ठीक है, हाँ इतने पतले में भी लेयर होता है। तो आज इतना ही, हाँ चलो ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और रेगुलर रहने का कोशिश करो, ठीक ना, तब अच्छा होगा। एक दो दिन अगर कोई दिक्कत है तब कोई दिक्कत नहीं, तब बात की बात है, लेकिन देखते हैं क्या है कि क्लास आई बस अटेंडेंस बना लिया है और सब चले गया, अब हम भूखते रहो, अकेले पढ़ाते रहो, फिर वैसे क्या होगा, तब फिर फायदा जो पढ़ेगा बस उसी को हम क्लास लेते हैं गूगल मीट से या फिर जूम वाले ऐप से, फिर यहाँ लाइव लेने से क्या फायदा फिर, ठीक ना। तो कोशिश करो कि रेगुलर रहें। चलो ठीक है, फिर से धन्यवाद सभी लोगों को।